सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हम दाल वाली कचौड़ी बनाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। तो पहले फ्रेंड्स, मैंने 2 कप चने की दाल भीगी हुई ले ली है और फिर वो सुबह तक अच्छे से भीग गई थी। तो मैंने पहले कुकर में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को मैं गर्म होने दूँगी। जीरा 1 टेबल स्पून, इसे मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, इसे भी मैं अच्छे से थोड़ा सा भून दूंगी। वन टीस्पून हल्दी, पिसी हुई मिर्च 2 टेबल स्पून और थोड़ा देर तक मैं मसाले को भून दूंगी और उसके बाद जो मेरा भीगा हुआ दाल है अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। नमक स्वाद अनुसार, वन एंड हाफ कप पानी और इसे मैं 2 सीटी तेज आंच पे लगा दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने दाल जो कुकर में डाला था उसे मैं अब ग्राइंड कर दी थी मिक्सर में। उसके बाद मैंने आटे की तैयारी कर ली, उसमें मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है। नमक डालने से क्या होता है ना कि जो हमारी पूड़ियाँ रहेंगी ना वो बहुत सॉफ्ट बनती हैं और फिर आटा हम इसे मार लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरा आटा मड़ के रेडी हो गया। हमें जैसे रोटी के लिए हम आटा मारते हैं उसी तरह आटा मारना है। अब मैं उसकी लोई बना लेती हूँ। पहले फ्रेंड्स, पहले हमें फिलिंग इसके अंदर रखना है। तो मेरा जो दाल है उसमें मैं ऐड कर देती हूँ। जैसे मैं ऐड करूँ आपको इसी तरह इसमें ऐड करना है और फिर आपको अंगूठे की हेल्प से इसे प्रेस कर देना। आप प्रेस कर दोगे ना तो इससे हमारी जो पूड़ी रहेगी वो फटेगी नहीं। और जैसे मैंने भरा आपको इसी तरह भरना है और फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा इसको दबा देंगे और चारों तरफ एक बार और कर देंगे, क्योंकि जो दाल है ना हमारा वो चारों तरफ फैल जाएगा। इससे नहीं तो फैलेगा नहीं तो आपको साइड में दाल वाली जो पूड़ी है ना वो फटने लगेगी। इसी तरह मैं सारे अपने जो लोई है भर लेती हूँ इसमें। फ्रेंड्स, अब मैं अपने पूड़ी को बेल लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पूड़ी छानने के लिए रिफाइन का यूज़ किया है और पूड़ी को मैं एकदम लाल लाल छानूंगी। फ्रेंड्स, जब तक मैं अपने पूड़ी को छान रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलेगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की न्यू अपडेट्स मिलती रहें। फ्रेंड्स, मेरी दाल वाली पूड़ी बन के रेडी हो गई है। खाने में काफ़ी टेस्टी थी। आप लोग देख सकते हो तो इसकी स्टफिंग जो है चारों तरफ फैल गई है और ये सब्जी को आपको मैं 1 हफ्ते बाद आपको डाल दूंगी, क्योंकि अभी तो इसका बनाई हूँ तो एडिटिंग करने में टाइम लगता है। तब तक आप इसको इन्जॉय करिए।